एक ओर नीतीश कुमार के फैसले ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की चिंता बढ़ा दी, दूसरी ओर 28 दल जो इस गठबंधन में हैं, उनमें से सिर्फ 9 दल ही आज की बैठक में सम्मिलित हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे तक जैसे बड़े नेताओं ने इस बैठक से दूरी बना ली। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उससे ये नेता सहमत नहीं है। तो सवाल ये कि ऐसे में इंडिया गठबंधन की आगे की राह क्या होगी। ये गठबंधन की मीटिंग की वो तस्वीर है जो सवालों का नया तूफान लेकर आई है, क्योंकि वैसे तो इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं, लेकिन मीटिंग की डिजिटल स्क्रीन पर सिर्फ 9 दलों के नेता नजर आ रहे हैं। मीटिंग में कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके, एनसीपीएस, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हुए। लेकिन इस तस्वीर में लोकसभा चुनाव के लिहाज से 3 अहम राज्यों के नेता नदारद दिखे। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 170 सीटें हैं। यानी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मीटिंग से दूर रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा प्रभाव रखने वाली शिवसेना के उद्धव का गुट भी मीटिंग से दूर रहा। खास बात यह है कि जिस वक्त इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, उसी वक्त जेएमएम के नेताओं के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर बात चल रही थी। बावजूद इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मीटिंग में शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, जहां पर लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, वहां पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना की उद्धव गुट का इस मीटिंग से दूर रहने की मुख्य वजह इंडिया गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटें चाहती है, जबकि टीएमसी इससे ज्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं है। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में शामिल वामपंथी दलों के साथ दिखने से भी एतराज है। कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है। यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी 65 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बाकी सीटें कांग्रेस और आरएलडी के लिए छोड़ने पर वो सहमत है। लेकिन मुश्किल ये है कि यूपी में कांग्रेस 20 से 25 सीटें मांग रही है, यानी समाजवादी पार्टी और टीएमसी सरीखी पार्टियां गठबंधन में बड़ी भूमिका चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस गठबंधन में बड़ी भूमिका छोड़ना नहीं चाहती और गठबंधन की असल उलझन यही है जिस पर अब बीजेपी तंज कस रही है। तो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। बीजेपी के इस तंज के पीछे की वजह भी बड़ी है। दरअसल जून 2023 में पटना में गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। जुलाई में गठबंधन में इंडिया नाम भी मिल गया, लेकिन तब से लेकर अब तक गठबंधन के नेता ना तो सीट शेयरिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला खोज पाए हैं जिस पर आम सहमति हो, और ना ही गठबंधन का चेहरा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।